चार बाप उसकी 46 से 54 आए तक। बस वो फिर कान्हा गलील में आया जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कुफे मुहिम में बीमार था। वो ये सुन कर के यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजम ने उससे कहा, ऐ खुदावन मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक़्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक़्त था जब यीशु ने उससे कहा था तेरा बेटा जीता है। वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। खुदा उनके पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो।